देखिए यहाँ प्रश्न जो दिया गया है, 10 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड ईच कैन डिलीवर ए मैक्सिमम करेंट अप टू एम्पियर। देखिए समझना होगा, जब भी अगर मैक्सिमम करेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, तो मैक्सिमम क्या होता है, ई बटा आर होता है। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ देयर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आई मैक्सिमम देखिए आपको दिया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो उसको निकाल सकते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 2 एम्पियर है और ई है आपका 2 वोल्ट है। यहाँ से देखिए आर कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप, अब देखिए 10 सेल्स है और 10 सेल्स, तो व्हाट इज द रेटिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज में ग्रुप किया गया है। तो सीरीज में देखिए, सीरीज में क्या होता है, इफेक्टिव जो EMF होगा वो क्या होता है आपका, एनी होता है। देखिए वोल्टेज बढ़ता है इसमें, करंट तो बढ़ेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, एन का मान है 10 और एक का दिया हुआ है 2 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जब आई की बात करेंगे आप, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी होगा, चाहे जितना भी आप लगा लें, 1 है 2 है, इस तरह जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेल्स है, 10 सेल्स यहाँ लगा हुआ। तो यहाँ तो करंट देखिए, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ता है, करंट तो आपका वही रहेगा, 2 एम्पियर ही रहेगा। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा, जो फाइनली आपको रेटिंग में आपको देखना है, रेटिंग जो है कितना हो जाएगा, रेटिंग ये हो जाएगा आपका 20 वोल्ट और हो जाएगा 2 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर फाइनल जो है कि आपका ये आंसर हो जाएगा, देखिए ये ध्यान देना है, ये फाइनल आंसर हो गया। तो अब देख सकते हैं, अच्छा प्रश्न है, छोटा है और इस तरह का प्रश्न भी आता रहता है। तो ओके।